तो हम लोग ने दुआ करे हमारे लालू प्रसाद यादव जी का, जो आगे उनके जो केस है, आगे जो वो अब सुख शांति है, उनको जो बीमारी है उससे निजात पाए। कामयाबी के लिए ये जितने रोजगार दुआ किए हैं उन कामयाब नहीं होगा, इसलिए रोजगार का दुआ कबूल होता है। इफ्तार का जो त्यौहार मनाया गया उसको डेफिनेटली बोलेंगे कि पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा एक संदेश गया है। इसका प्रोग्राम है और लालू जी के लिए तो सारे लोग दुआ करेंगे, इससे एक अच्छा मैसेज गया है कि इस तरीके से संघ परिवार का लोग आए दिन जो अजान पे और मस्जिद पे हनुमान चालीसा जो कर रहा, निश्चित रूप से भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ये हम समझते हैं रांची के अंदर पहला पॉलिटिकल पार्टी जो होगा राष्ट्रीय जनता दल होगा, जो अभी तक किसी पार्टी ने माने इफ्तार कराने का काम नहीं किया। सामूहिक जो प्रोग्राम हुआ रमजान के लेके तो बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है जनता के बीच खुशी का माहौल है और आज इफ्तार के ये में आप देखे भी होंगे कि लोग कितने प्रसन्न थे। और डबल लहर हो गया आज प्रदेश कार्यालय में, इफ्तार पार्टी के अवसर पर सभी लोग आए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। एक पवित्र महीना माना जाता है और बहुत ही पाक माना जाता है, उसके लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, देखिए कि रमजान महीने में ही उनका जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से जो बेल मिला रमजान महीने में मिला, आज के उस दिन हमारा जो था बिहार में वो इफ्तार दावते इफ्तार था, आज दावते इफ्तार हम लोग यहाँ झारखंड में रखे हैं, क्योंकि आज उनका रिलीज ऑर्डर हुआ है। और हम लोगों ने क्योंकि पाक महीने के कारण और जितने हमारे रोजेदार हैं सब लोग जो आज आए और यहाँ हम दुआ किए अमन चैन शांति का, तो हम लोग ने दुआ करे हमारे लालू प्रसाद यादव जी का, जो आगे उनके जो केस है, आगे जो वो अब सुख शांति है, उनको जो बीमारी है उससे निजात पाए। और हम लोग दुआ कर रहे पूरे झारखंड के लिए, वो लोग पूरे झारखंड के हमारी जनता सुख शांति चैन रहे और अमन शांति रहे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का जो पार्टी है और जो उनकी सोच है, दलित पिछड़ा मजदूर किसान बैक बेंचर सबको आगे लाना, सबको समान हक दिलवाना, उनकी आवाज़ बन के जो आते हैं, हम उनकी दुआ उनके लिए दुआ करवाएं कि वो आवाज़ फिर से वो आवाज़ बुलंद हो और सबकी आवाज़ बन के सबको न्याय दिलाए, गरीबों को न्याय दिलाए। इसी के लिए हम आज हमारे झारखंड के इस प्रदेश कार्यालय में हम लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और इस इफ्तार पार्टी में हम लोग सारे हमारे रोजेदार भाई, हमारे मुस्लिम भाई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक एकता की बंधन में बांधने वाली पार्टी है, उनकी सोच है हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी का सोच है ये सामाजिक एकता की बंधन में बांधने की सोच है, उसी सोच के साथ हम लोग ने आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया।